कोरोना वायरस से पैदा हुई महामारी यानी COVID-19 का प्रकोप किस दवा से ख़त्म होगा? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए दुनिया भर के शोधकर्ता मेहनत कर रहे हैं। अभी तक एक ही बात साफ है कि जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है उन पर COVID-19 का हमला कम घातक होगा। अब बाजार इसी बात को भुनाने में लग गया है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के अनेक उपाय मीडिया सोशल मीडिया पर सुझाए जा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, हर महामारी के समय में ऐसी बातें होती रहती हैं। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू फैला था तब भी इसी तरह की बातें हुई थी और आज साल 2021 में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि इन 100 वर्षों में मेडिकल साइंस के लिहाज से इंसान ने काफ़ी तरक्की कर ली है। हाल में इन दिनों एक अफवाह सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हस्त मैथुन से ब्लड सेल बढ़ते हैं, साथ ही ऐसे फल खाने की सलाह दी जा रही है जिनमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में हों। बहुत से लोग तो प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह भी दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि ग्रीन टी और लाल मिर्च से COVID-19 को कमज़ोर किया जा सकता है। रिसर्च कहती है कि सुपर फूड बाजार का फैलाया हुआ एक मिथक है। साइंस की रिसर्च में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की इम्यूनोलॉजिस्ट अकीको इवासाकी का कहना है कि प्रतिरोधक क्षमता के 3 हिस्से होते हैं, त्वचा, श्वसन मार्ग और म्यूकस झिल्ली। ये तीनों हमारे शरीर में किसी भी संक्रमण को रोकने में मददगार हैं। अगर कोई वायरस इन तीनों अवरोधकों को तोड़कर शरीर में घुस जाता है तो फिर अंदर की कोशिकाएं तेजी से सतर्कता बढ़ाती हैं और वायरस से लड़ना शुरू कर देती हैं। अगर इतने भर से भी काम नहीं चलता है तो फिर एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम अपना काम करना शुरू करता है। इसमें कोशिकाएं, प्रोटीन सेल और एंटीबॉडी शामिल हैं। शरीर के अंदर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उभरने में कुछ दिन या हफ्ता भर लग सकता है। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम कुछ खास तरह के विषाणुओं से ही लड़ सकता है। हल्की खांसी, नज़ला, बुखार, सिरदर्द के लक्षण किसी वायरस की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि ये हमारे शरीर की उस प्रतिरोधक क्षमता का हिस्सा होते हैं जो हमें जन्म से मिलती है। बलगम के जरिए बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद मिलती है। बुखार शरीर में वायरस को पनपने से रोकने का माहौल बनाता है। ऐसे में अगर किसी के कहने पर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन कर भी लिया जाए तो उसका असल में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अक्सर लोग मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट इस उम्मीद में लेते रहते हैं कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। रिसर्च कहती है कि जो लोग पूरी तरह सेहतमंद हैं उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं। अतिरिक्त सप्लीमेंट लेने की आदत का शिकार सिर्फ आम इंसान नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी इस जाल में फंस जाते हैं। मिसाल के लिए 2 बार नोबेल अवार्ड विजेता लाइनस पॉलिंग जुकाम से लड़ने के लिए हर रोज 18,000 मिलीग्राम विटामिन सी लेने लगे। ये मात्रा शरीर की ज़रूरत से 300 गुना ज़्यादा थी। विटामिन सी नज़ला, जुकाम से लड़ने में बहुत थोड़ी ही मदद कर पाता है। इसे लेकर बाजार का बिछाया हुआ मायाजाल ज़्यादा है। जानकारों का कहना है कि विकसित देशों में जो लोग संतुलित आहार लेते हैं उन्हें अपने खाने से ही शरीर की ज़रूरत के मुताबिक विटामिन सी मिल जाता है। वहीं विटामिन सी का ज़्यादा सेवन गुर्दे में पथरी की वजह बन सकता है। जानकारों के अनुसार जब तक शरीर में किसी विटामिन की कमी ना हो तब तक किसी भी तरह का सप्लीमेंट हानिकारक हो सकता है। सिर्फ विटामिन डी का सप्लीमेंट ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अकीका इवासाकी के मुताबिक बहुत सी स्टडी में पाया गया है कि विटामिन डी की कमी से सांस संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी कमी से ऑटो इम्यून वाली बीमारियां भी हो सकती हैं। लोगों में विटामिन डी की कमी का होना सिर्फ गरीब देशों की समस्या नहीं है, बल्कि पैसे वाले देशों में भी ये एक गंभीर मसला है। एक स्टडी के मुताबिक साल 2012 तक सारी दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनमें विटामिन डी की कमी थी। विटामिन डी की कमी उन लोगों में ज़्यादा होती है जो धूप से दूर घरों में अंदर रहते हैं। हस्त मैथुन को लेकर सदियों से कई भ्रांतियां समाज में रही हैं। यहाँ तक कि वर्षों तक इसे कई बीमारियों की जड़ समझा जाता रहा, लेकिन मॉडर्न रिसर्च इसके स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे गिनाते हैं। लेकिन ये दावा सरासर गलत है कि हस्त मैथुन COVID-19 से बचाने में सक्षम है। शरीर में वाइट सेल्स से विषैले ऑक्सीजन पदार्थ निकलते हैं जो दुधारी तलवार की तरह काम करते हैं।
एक तरफ तो ये शरीर में किसी बैक्टीरिया या वायरस को बढ़ाने से रोकते हैं, तो दूसरी ओर स्वस्थ कोशिकाओं को खत्म करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। इसलिए सभी कोशिकाओं को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। हमें ये एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में फलों सब्जियों से मिल जाते हैं। इसके लिए अलग से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कितने मददगार हैं, इस पर भी अभी रिसर्च जारी है, लेकिन ये रिसर्च अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो शरीर के दोस्त होते हैं। हमारी सेहत के लिए उनकी बहुत ज़रूरत होती है। कई बार शरीर में इन बैक्टीरिया की कमी हो जाती है, इसलिए बाजार से प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। संकट के इस दौर में कुछ वेबसाइट पर दावा किया जा रहा है कि प्रोबायोटिक्स COVID-19 से लड़ने में मददगार हैं। ऐसे तमाम दावे झूठ हैं। इस दावे पर अभी तक कोई भी रिसर्च पक्के सबूत पेश नहीं कर पाई है। अब सवाल ये है कि आखिर COVID-19 से बचा कैसे जाए। इसके लिए फिलहाल तो यही जरूरी है कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का ध्यान रखिए, संतुलित आहार लीजिए, नियम से व्यायाम कीजिए, किसी वेलनेस एक्सपर्ट के बहकावे में आकर खुद ही अपने डॉक्टर मत बनिए, परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए।